शहर भर के 110 स्थानों पर छठ पर्व का उल्लास सोमवार तड़के 4 बजे से एक बार फिर नजर आने लगा था। सर्द फिजा में व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियों में जुटे हुए थे। सर्द हवाओं के बीच पानी में खड़े होकर व्रतियों ने आरोग्यता की कामना से उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था। इस दौरान आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते और ओम सूर्याय नमः के मंत्रोच्चार के साथ घर परिवार, समाज, प्रदेश और देश के सुख समृद्धि की कामना की गई। अर्घ्य देने आए व्रतधारियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में बांस की टोकरी और सुपाड़ी थी, इसमें केले, मौसमी के साथ अन्य मौसमी फल के अलावा पूजन की सामग्री थी। व्रतियों के साथ उनके स्वजन सहयोग कर रहे थे। इसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण हुआ। आयोजन स्थल पर ठेकुआ, केला एवं अन्य मौसमी फल भी वितरित किए गए। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट पूजा किया गया। व्रतधारियों ने घर पहुंचकर पीपल के पेड़ की पूजा की। इसके बाद कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण किया। इसके बाद व्रतियों ने नमक युक्त भोजन ग्रहण किया। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।